शोध हुआ मंत्रों में, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर शोध चला दिल्ली में, तो एम्स जो हॉस्पिटल है उसमें दो ग्रुप बनाए गए। एम्स हॉस्पिटल में कितने? दो ग्रुप बनाए गए, और उसमें एक ग्रुप ऐसा था जिसमें कई बीमार जो थे आईसीयू में उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चला, जैसे लोग चलता ही है, और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें शायद 25-30 मरीज थे और उसमें उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट भी चला, और साथ साथ पंडित जी को उनका नाम गोत्र संकल्प के माध्यम से उनके लिए महामृत्युंजय भी जप चलता रहा। तो क्या पाया शोध में, क्या निकल कर आया कि जिनके लिए महामृत्युंजय जप भी चल रहा था उनके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार पाया गया, और जिनका नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था उनके स्वास्थ्य में बहुत मंद गति से सुधार हुआ, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से। इसीलिए तो कहते हैं औषधि भी मेरी माताओं तब काम करती है जब ये चाहे कि आपको औषधि काम करे। औषधि भी तभी काम करती है। डॉक्टर के हाथ में चीरा लगाना तो है, टाका लगाना तो है, लेकिन चिपकाता तो भगवान ही है उस टाके को। कोई गोंद फेविकोल से थोड़े ही वो आपका टांका चिपक जाता है, चिपकाती तो प्रकृति है, चिपकाते तो परमात्मा ही है। अगर डॉक्टर ने टांका लगाया, बार बार लगाने पर भी वो चिपक नहीं रहा है, कटवाने जाते हैं, ओहो डॉक्टर ने कहा ये तो बढ़िया पकड़ हुई नहीं, दोबारे लगा दिया, बोले इस बार 7 दिन में नहीं टांके कटवाने, 15 दिन में आना। अब 15 दिन में गए, ओहो काटने लगे तो फिर चिपका ही नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी स्किन कैसी है, अच्छा इस बार ऐसा करना टांके कटाने 1 महीने में आना। अब 1 महीने बाद गए तो अभी भी जब चिपका नहीं तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपकी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा है, मतलब प्राकृतिक जो गुण होते हैं वो नहीं हो रहा है। अब बताइए ये नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, ये नेचुरल प्रोसेस ही तो परमात्मा करता है। तो कहने का तात्पर्य घाव भगवत कृपा से भरता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ अगर आप बीमार हो तो भगवान जी सब करेंगे, हम दवाई नहीं खाएंगे, ये भी मूर्खता है। ऐसा भी नहीं है, दवाई भी खाते रहो लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव करके खाते रहो। धन्वंतरी भगवान का स्मरण करके औषधि खाओ, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। औषधि का भी महत्व है, ऐसी बात नहीं, उस औषधि का भी अपना अलग महत्व है, लेकिन भगवत कृपा, सब में भगवत कृपा देखो। अगर औषधि का महत्व ना होता, लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई तो राम जी की गोद में सिर रख के लक्ष्मण जी लेटे थे, अगर औषधि की उपयोगिता नहीं होती, सब भगवान ही करेंगे, तो फिर गोद में तो पड़े ही थे, लक्ष्मण जी उठे क्यों नहीं? इसलिए भगवान औषधि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए ही तो लंका में जाकर सुषेण वैद्य को उठा के लेके आ गए हनुमान जी, बोले कि उधर जाओ उत्तराखंड में, हमारे उत्तरा, बोले अब कहाँ घटना कहाँ घट रही है उधर लंका में। और वो सुषेण वैद्य ने क्या बोला कि उत्तराखंड जाना पड़ेगा, वहाँ एक चमकने वाली औषधि है हिमालय में, बस उसको उठा के ले आना। और हनुमान जी महाराज आ गए हमारे उत्तराखंड में, तो हनुमान जी ने देखा राम राम, हिमालय में तो कई औषधियाँ चमक रही थी, कई पत्ते चमक रहे थे, और हनुमान जी सोचने लगे कि सूर्योदय से पहले पहले लेकर जाना है, और कहीं गलत मेडिसिन लेकर चला गया तो दोबारे आने का तो टाइम है ही नहीं। इसलिए हनुमान जी ने सोचा सारे ही चमक रहे हैं, इसलिए हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए पूरा मेडिकल स्टोर ही उठाकर लेकर चले गए। इसीलिए तो केवल बल से काम नहीं चलता माताओं, जब तक बुद्धि ना हो बलवान व्यक्ति जीत ही जाता है, ऐसा नहीं, बल बुद्धि। इसलिए तो हनुमान जी से कहते हैं आपके पास केवल बल नहीं है, आपके पास तो बुद्धि भी है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहुं कलेश विकार, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम से कहे श्री आदे। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि हर चीज में भगवत कृपा का अनुभव करने का स्वभाव बना लो, हर चीज में बस। तो जो वो रिसर्च हुआ तो उसमें यही पाया गया कि जिनके लिए भगवान के, जिन भक्तों के लिए, जिन मरीजों के लिए
महामृत्युंजय का जप हो रहा था, उनके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार पाया गया। अब दूसरा शोध अभी चल रहा है। अब इसमें क्या क्या शोध चल रहा है कि जहां पर मरीज थे वहीं पर बैठकर पाठ करवाया गया। अब दूसरा शोध ये चल रहा है कि मरीजों से कई किलोमीटर दूर जो लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है ना, एम्स से काफ़ी किलोमीटर दूर है, तो अब ये शोध चल रहा है कि पंडित जी लोग कई किलोमीटर दूर बैठकर उनके नाम गोत्र से वहाँ पाठ कर रहे हैं। अब कुछ दिन सालों में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि दूर से भी उस मरीज को नाम गोत्र पढ़ने से लाभ कितना मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रेम से कहे श्री राधे। तो हमारे मंत्रों में अद्भुत सा